छोड़ देंगे कि रूए जमीन पर फैल कर एक दूसरे में घुस जाएंगे, और सूर फूंका जाएगा तो हम सबको जमा कर लेंगे, और उस रोज हम जहन्नम को काफिरों के सामने लाएंगे, जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में थीं और वह सुनने की ताकत नहीं रखते थे। क्या काफिर ये ख्याल करते हैं कि वो मेरे बंदों को मेरे सिवा अपना कारसाज बनाएंगे तो मैं खफा नहीं होऊंगा? हमने ऐसे काफिरों के लिए जहन्नम की मेहमानी तैयार कर रखी है। कह दो कि हम तुम्हें ऐसे लोग बताएं जो आमाल के लिहाज से बड़े नुकसान में हैं। ये वो लोग हैं जिनकी दौड़ धूप दुनिया की जिंदगी में बर्बाद हो गई, और वो ये समझे हुए हैं कि वो अच्छे काम कर रहे हैं। जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों को न माना और उसके सामने जाने से इनकार किया, तो उनके आमाल जाया हो गए, सो हम कयामत के दिन उनके लिए कुछ भी वजन कायम नहीं करेंगे। ये उनकी सजा है यानी जहन्नम, इसलिए कि उन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों और हमारे पैगंबरों की हंसी उड़ाई। कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं, अलबत्ता मेरी तरफ वही आती है कि तुम्हारा माबूद वही एक माबूद है, तो जो शख्स अपने परवरदिगार से मिलने की उम्मीद रखे चाहिए कि अमल नेक करे और अपने परवरदिगार की इबादत में